और एक आर्ट सप्लाई की टेस्टिंग। हाँ हाँ बिल्कुल, और हमारा आज का ये जो आर्ट सप्लाई है वो आपको ओनली 30 रुपीज में मिल जाएगा। और आज का हमारा आर्ट सप्लाई है ये अप्सरा की न्यूली लॉन्च स्केच पेन, जो कि आपको 12 शेड्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इस तरह के काफ़ी कूल और ब्यूटीफुल ग्राफिक्स वाले प्लास्टिक के पाउच पैकिंग में आने वाली ये जो स्केच पेन्स है उसे ISL सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। साथ ही में ये ब्रश पेन्स पूरी तरह से नॉन टॉक्सिक और इसे यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो स्केच पेन्स है उसमें मिलने वाले जो 12 कलर ऑप्शंस है उसकी बात करें तो वो ये रहे। और हाँ, आपको ये स्केच पेन्स में एक स्पेशल शेड भी मिल जाएगा। कौन सा? ये फ्लोरोसेंट येलो। फ्रेंड्स, स्केच पेन की बॉडी को राउंड शेप में डिजाइन किया हुआ है। और ये रही इस स्केच पेन में आने वाली टिप। फ्रेंड्स, स्केच पेन्स की ये जो कैप है उसे वेंटिलेटेड बनाया हुआ है। और फ्रेंड्स, आप जब स्केच पेन्स को यूज़ करने वाले हो तो इसकी ये जो कैप है उसे निकाल कर आप इस तरह से पीछे फिक्स कर दीजिएगा, तो इस तरह से आपकी ये स्केच पेन की जो कैप है वो घूम भी नहीं होगी और ये स्केच पेन की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, ताकि आप इसे एकदम इजीली ग्रिप कर सकेंगे। फ्रेंड्स, हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो ये जो स्केच पेन्स है उसे मैं इस पेंटिंग में यूज़ कर रही थी, तो स्केच पेन्स को ये पेंटिंग में यूज़ करना कंटिन्यू करें। फ्रेंड्स, ये जो स्केच पेन्स है उसके इंफ्लो की बात करें तो देखिए, इसमें आपको काफ़ी कंटिन्यूसली फ्लो होने वाली जो इंक है वो मिलने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो पेंटिंग है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है, और अब तक तो जितनी कंप्लीट हुई है उसमें जो ये स्केच पेन है उसकी कलर इफेक्ट देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। और ये जो स्केच पेन है उसकी ग्रिप की बात करें तो सच में हम इसे काफ़ी कंफर्टेबली और इजीली ग्रिप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमें जो पॉइंट दिया हुआ है उसके कारण देखिए छोटी छोटी जो डिटेलिंग वर्क है वो कितना आसानी से पेंटिंग में हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो आर्टवर्क है उसके लिए महंगी महंगी स्केच पेन्स या ब्रश पेन्स ही यूज़ करें, और ये जो अप्सरा की स्केच पेन्स है उसे यूज़ करके भी आप अपने जो आर्टवर्क है उसे एकदम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने किया, देखिए हमारी ये पेंटिंग कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। क्या हुआ, स्केच पेन की जो कलर इफेक्ट है वो पेंटिंग में अच्छे से नहीं दिखी? तो आपको दिखाते हैं, पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर रेगुलरली वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके ऑल पर सेट जरूर कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले और तुरंत मिल जाए। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हाँ, फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी शेयर ज़रूर करना। साथ में अगर आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। और हाँ, साथ ही में काफ़ी बार हमें कमेंट्स आते हैं कि हमने जो ये प्रोडक्ट अनबॉक्स की है वो आपको इजीली मार्केट में नहीं मिल रही, तो डोंट वरी फ्रेंड्स, हम जो भी प्रोडक्ट अनबॉक्स करते हैं
उसे बाय करने की लिंक हमारे हर वीडियोस की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होते हैं उसमें आपको देते ही है। साथ ही में प्रोडक्ट की जो छोटी छोटी जो नॉलेज होते हैं वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर देते हैं। तो वीडियो के लिंक से बाहर निकलते वक्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए देखें स्केच पेंस की कलर इफेक्ट। और वो ये रही फ्रेंड्स, कैसी लग रही है ये स्केच पेंस की कलर इफेक्ट? आपकी एक कमेंट तो बनती है। तो फ्रेंड्स, अभी ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो हर आर्ट वर्क है उसे रेडी करने के लिए हम बड़े बड़े और महंगे महंगे ही आर्ट आइटम्स यूज़ करें, पर हम ऐसे जो छोटे छोटे आर्ट आइटम्स होते हैं उसे यूज़ करके भी जो बड़े बड़े आर्ट्स होते हैं और प्रोजेक्ट्स होते हैं उसे रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको अप्सरा के ये स्केच पेंस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।